तो और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी सेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन देशमुख और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटिव पवन लाइव। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 6 का। हमारे पास मिशन आ चुके हैं, तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेट्स गो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xbet। दिस इज अ ग्लोबल बुक मेकर कंपनी कॉर्पोरेशन। ये एक बेटिंग वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल टीम है बड़ी बड़ी, बार्सिलोना, चेल्सी, लिवरपूल, तो इनके ऊपर भी बेटिंग लगा सकते हो और उसी के साथ ई स्पोर्ट पे भी बेट लगा सकते हो। और गाइज, अगर आप मेरे प्रोमो कोड से साइन अप करते हो तो आपको 100% बोनस मिलेगा ही मिलेगा। और उसके यहाँ पर आप जीते हुए पैसे को पेटीएम, फ़ोनपे, बैंक, जहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन मतलब विड्रॉ करना चाहते हो वहाँ पर कर सकते हो। और उसी के साथ आपका रॉयल पास भी ले सकते हो गाइज। तो जाओ यार, कमेंट में मैंने आपको ये यहाँ पर पिन करके दिया है, तो जाओ जल्दी से साइन अप करो और लगाओ यार बेटिंग। तो गाइज, आप सभी को पता ही है कि भाई मेरे को ये अगले मिशन क्यों आता है। आप सभी को पता है मैंने कि RPEZ मिशन कार्ड मुझे मिला है, जो कि हर बार मिलता है क्योंकि मैं हर बार रॉयल पास बाय करता हूँ इसलिए। तो अगर आपको भी मिला है तो यार कमेंट एक जरूर कर देना गाइज। तो चले यार, वीक 6 के मिशन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज, हमारे पास वीक 6 के मिशन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं जिनके पास रॉयल पास जिन्होंने लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है तो यार अपने वेबसाइट के ऊपर आप सभी को पता ही है आप भी पोस्ट डाल दिया है, तो जाकर पार्टिसिपेट करो। मंडे को मैं उसका रिजल्ट निकाल दूंगा। तो चले गाइज, यहाँ पर बता देते हैं। पहला मिशन है गाइज, पिकअप एटेक स्कोप ओवर 3 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज, आपको 3 बार एटेक स्कोप को पिकअप करना है, वो भी क्लासिक मोड मैचेस कोई भी खेलो। तो इसके लिए सिंपल यार, स्क्वाड खेलो, स्क्वाड में ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने फ्रेंड को मिलने का एटेक, और एटेक मिला तो यार मजे मजे है। उसके बाद उसको बोल देना का कि भाई मेरे को दे, मिशन कंप्लीट कर लेते भाई, 3 मैचेस खेलो, 3 में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गाइज, किल 20 एनिमीज विद SMG इन लॉस लियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 दिया है, तो इनमें से आप कोई भी एक कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं लॉस लियंस वाला मिरमार का तो मैं बोलूँगा यार मत करो, क्योंकि बहुत बड़ा मैप है और एरोप्लेन कहीं से भी जाता है तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बंदे आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट है किल 20 एनिमीज विद SMG ना मिलिट्री बेस एरिया। तो ये मिशन आप मिलिट्री बेस में भी कर सकते हो अपने। उसके बाद है किल 20 एनिमीज विद SMG इन पैराडाइज रिसोर्ट। तो यहाँ पर भी ये लास्ट के दो ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा भाई आप एरंगल ज़्यादा खेलते हो तो मिलिट्री बेस एरिया में SMG से मारो यार ढूंढ ढूंढ के। और SMG में बहुत सारी 4-5 गन आती है, जैसे कि वेक्टर, उजी, अपना थॉम्सन, उसी के साथ अपनी भाई क्या बोले UMP-45। तो गाइज ये सब कुछ आता है, तो आप वहाँ पर जाकर कंप्लीट करो। और उसी के साथ एक नीचे और एक मिशन है जो कि आपको बता देता हूँ, लैंड विद इन 200 meters ऑफ द एयरप्लेन 3 times। तो आप सभी को पता है ये मिशन भी बहुत बार आ चुका है, लैंड विद इन 200 meters। तो आपको जैसे आप एरोप्लेन से उतरते हो गाइज, तो वो लाइन है ना एरोप्लेन की जाने वाली, तो वैसे ही डाउन जाना है 90 degree। तो 200 meters के अंदर ही आपको लैंड करना है। तो इससे क्या होता है कि भाई साहब मतलब एकदम आपका ये कंप्लीट हो जाएगा 3 मैचेस में। सोलो गेलो अगर ये भी नहीं होता आपसे तो सिंपल है, ऑफलाइन जाओ, मतलब जैसे कि बंदे ऑफलाइन लैंडिंग करते तो उस तरह का लैंडिंग करने दो, ऑटोमेटिकली आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा गाइज। और 3 बार करना है तो 3 मैचेस में हो जाएगा, तो इसके लिए सोलो मैचेस खेलो, आराम से कंप्लीट है यार। उसके बाद नेक्स्ट है डील अ टोटल ऑफ 1000 डैमेज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो आप सभी को पता है ये भी मिशन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्या है इसको तो देखने की भी ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है 4-5 मैचों के अंदर। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो भी ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो डील करना है आपको 1000 डैमेज की, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा गाइज। अभी आते हैं जिन्होंने रॉयल पास अभी तक अपग्रेड नहीं किया है। तो कंप्लीट 15 मैचेस विद द फ्रेंड्स इन एनी मोड। तो भाई फ्रेंड के साथ आपको मैं बोलूँगा यहाँ पर एनी मोड दिया है, तो आप यहाँ पर TDM भी खेल सकते हो, आर्केड मोड भी खेल सकते हो, जो आपकी मर्जी आए खेल सकते हो। मैं तो बोलूँगा आर्केड खेलो, क्योंकि 5-6 मिनट के अंदर ही ये ख़त्म हो जाता है, तो आपके 15 मैचेस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे गाइज। और उसके बाद है किल 16 एनिमीज विद असॉल्ट राइफल इन वीकेंड इन। भाई साहब तो देखो गाइज, यहाँ पर असॉल्ट राइफल से आपको 16 बंदे मारना, असॉल्ट राइफल मतलब एयर गन अपनी M4-1, AKM, PUBG, G360 वीकेंड के अंदर। तो ये बहुत सारे गन है, ग्रोजा भी आता है सब कुछ, तो आप देख लेना। और इनमें से आपको कोई भी लेके 16 बंदों को मारना है, तो कहीं पर भी मार सकते हैं। यहाँ पर प्लेस दिया नहीं है कि पर्टिकुलर कि यहाँ पर जाके आपको किल करना है। तो वीकेंड अगर आप खेलते हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट मैं बोलूँगा देखो यहाँ पर किल 7 एनिमीज विद बोल्ट एक्शन राइफल इन मिरमार इन क्लासिक मोड। तो भाई बहुत बढ़िया यार, ये भी ऑप्शन सोलो मैचेस लगाओ,
और सात बंदों को बोल्ट एक्शन जैसे कि हमारे कार 98 ओम जो भी आपको मिलता है उससे आप टपका देना बंदों को यार, जिससे कि 7 किल हो जाए और ये आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ऊपर वाला मिशन अगर आपने देखा होगा 20 किल करना है आपको SMG से, तो मैं बोलूँगा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए किल 14 एनिमीज विथ SMGs इन इरेंगल क्लासिक मोड। तो मिलिट्री बेस वाला था वो मिशन, तो वहाँ पर आप 20 किल करने ही वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ये मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि दोनों अगर एक साथ कंप्लीट करना है तो ये किल 14 वाला भी करो और ऊपर वाला किल 20 एनिमीज इन मिलिट्री बेस एरिया। तो चलो गाइस नेक्स्ट आते हैं, लैंड ऑन एनी रूफटॉप इन बूट कैंप। तो आपको क्या सिंपल है, तो सभी को पता ही कि बूट कैंप के ऊपर आपको लैंडिंग करना है, तो बहुत बड़ा है यार बूट कैंप के ऊपर, आपको सिंपल से बिल्डिंग के ऊपर आप आराम से लैंडिंग कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा जाओ सोलो खेलो 3 बार और ख़त्म कर दो इस मिशन को। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस फिनिश इन द टॉप 10 इन सैनुक 3 टाइम्स इन क्लासिक मोड। तो उसी के साथ अगर आप थोड़ा बहुत खेलते हो तो टॉप 10 के अंदर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपको सोलो मैच नहीं खेलना है तो स्क्वाड खेलो, स्क्वाड के अंदर भी आप टॉप 10 के अंदर आराम से आ सकते हैं गाइस। अगर आपकी स्क्वाड अच्छी है तो टॉप 10 के आप चिकन डिनर भी कर सकते हो। तो सिंपल है ये भी मिशन। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस किल 5 एनिमीज विद S1897 इन एनी मोड। तो गाइस ये है 5 बुलेट वाला शॉर्ट गन जो कि आप सभी को पता है, और नहीं पता है तो इन्वेंट्री में आप AR गन सेलेक्ट करके देख सकते हैं। AR के जगह वो ऑप्शन आता है शॉर्ट गन, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते कौन सा गन है। वैसे मैं दिखाई देता हूँ यार, बहुत जनों को कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते, देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट गन। तो ये वाला गन है गाइज आप सभी को दिख रहा होगा, तो ये S1897, तो ये गाइज ये गन है, इसे आपको किल करना है 5 एनिमी को, तो आराम से हो जाएगा। इसके लिए सोलो खेलो, कोई भी सर्वर में खेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मिशन कंप्लीट करने के लिए सब जायज है गाइज, जैसे कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है वैसे। तो पिकअप अ डेजर्ट ईगल ओवर 8 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पर क्या है कि डेजर्ट ईगल क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये पिस्टल है जो कि आप सभी को पता है न्यू आया है पिछले अपडेट में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पिस्टल डेजर्ट ईगल किधर है भाई, तो देख सकते हो गाइज ये वाली जो पिस्टल है ये है डेजर्ट ईगल, तो आपको इसको उठाना है 8 टाइम्स, जो कि आप कहीं पर भी उठा सकते हैं। पिस्टल तो हर जगह पर मिल जाता है आप सभी को पता है क्लासिक मोड के अंदर, तो इसको आपको रखना है, उठा के डाल भी सकते हैं बट एक बार तो भी पिकअप करना ही करना है। तो 8 मैचेस के अंदर आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज यही था यार आज के इस वीडियो में, और ज़रूर पार्टिसिपेट करना। मंडे के आसपास मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा और आप सभी को बताया कि बता देता हूँ। और कल से हम कमेंट पिकर से भी यहाँ पर डेली यूसी गिवेच स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज अपनी पबजी की 10 डिजिट वाली आईडी, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर मेरी आईडी 527180 वाला, तो उस तरह का आईडी आप डाल दो कमेंट सेक्शन में, तो ताकि आपको पता चलेगा या आपको मिल सके 60-70 यूसी जो डेली यूसी गिवे का हमारा रखेंगे। तो गाइज यही था यार आज के इस वीडियो में, मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।